वजीर आला पंजाब की मावने खसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि नून लीग बंद कमरों में पांव पड़ती है और सियासी जलसों में गले। डीजीपीआर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि अंदरूनी लड़ाई में नून लीग बेनकाब हो चुकी, जबकि पीडीएम तो फसाद फैलाना चाहती है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाया जा रहा है। पंजाब में गर्मी बढ़ने और सवात में सियासत चमकाई गई। अपोजिशन ने हमेशा फिक्स्ड मैच खेला, जबकि पीडीएम न्यूट्रल एम्पायर से खौफजदा है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना के इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 37,664 टेस्ट किए गए, जिनमें से 830 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 25 अफराद इंतकाल कर गए। तुर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेरिका का दौरा निजी है, मगर चीखें विफाक की निकल रही हैं। सिंध असम्बली ऑडिटोरियम हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि MQM ने तारीखी एहतजाज किया, इतना छोटा एहतजाज हमने पहले कभी नहीं देखा, काश एहतजाज MQM के PTI के खिलाफ किया होता, जिसने मुतनाज़ा मर्दमशुमारी को मंजूर कराया। इनका कहना था कि MQM ने एहतजाज इस गलत फैसले के खिलाफ किया होता, ये एहतजाज कमेटी के सरबराह आला के अली जैदी के खिलाफ किया होता, ये लोगों को मिस गाइड और मुंतशिर करना चाहते हैं। हाफिज ताहिर अशफी ने कहा है कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड कर कहने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का नाम बिगाड़ना छोड़ दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज ताहिर अशफी का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के मामले पर पूरी दुनिया इमरान खान को सराहा, लेकिन इत्तेहाद बनाकर 10 नशिस्तें ना लेने वाली अपोजिशन रहनुमा इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि खित्ते की सूरत हाल काफ़ी संगीन है, अमेरिका को खुद समझ नहीं आ रहा कि आइंदा क्या होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्वादर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा भारत मुश्किल से दो चार है, भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अदम इस्तेहकाम हो और तालिबान का गलबा हुआ तो भारतीय सरमायाकारी का क्या बनेगा। वफाकी वज़ीर बरतवानाई हमाद अज़हर ने कहा कि मुल्क में LNG की सप्लाई 100% बहाल हो चुकी। अपने ट्वीट में हमाद अज़हर का कहना था कि जुम्मा की शाम से बिजली की लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि मुल्क में LNG की सप्लाई 100% बहाल हो चुकी, अब तमाम सेक्टर्स को मामूल के मुताबिक गैस की फराहमी जारी है। कराची बोर्ड पहले ही हफ्ते में फेल हो गया और मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। तुलबा इम्तिहानी मरकज पहुंच गए लेकिन पर्चे वक्त पर ना पहुंचे, शदीद बेनज़मी ने इंतजामी मालूमात की कली खोल दी। आज पर्चा शुरू होने में 10-15 मिनट नहीं बल्कि 2.5 घंटे की ताखीर हुई और कहीं कहीं तो दूसरी शिफ्ट में पर्चा पहुंचा। दूसरी जानी मैट्रिक के बच्चों का इम्तिहान बाहर बैठे वालदैन का भी इम्तिहान बन गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मावने खुसूसी इब्राहिम सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना वायरस में इजाफे पर खतरे की घंटी बजा दी। अपने बयान में डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते में इदादो शुमार में बताया गया है कि कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि कोरोना केसेस और मुस्बत शरा कम है लेकिन इजाफा ज़्यादा हुआ है। इनका कहना था कि मास्क का इस्तेमाल, हजूम से दूरी और वैक्सीनेशन से कोरोना से बचा जा सकता है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तुर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्टर्स आउटडोर आरएसएफ की रिपोर्ट इमरान खान हुकूमत के लिए चार्जशीट है। अपने बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान की आमिराना सोच की सजा पाकिस्तान के आलमी साख की तबाही की सूरत मिल रही है। मीडिया और आज़ादी इजहार राय के इमरान खान के अमाल नामे पर आलमी मोहर तस्दीक मुस्बत हो चुकी। इन्होंने कहा कि मीडिया और सहाफत के लिए इमरान खान का दौर फौजी आमरियत के दौर से ज़्यादा बदतरीन और ज़्यादा ख़तरनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम ना मुजफ्फराबाद में कठपुतली चाहते हैं ना इस्लामाबाद में। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मोदी बदतरीन हमले करे और कठपुतली वजीर आजम कहे कि क्या करूं। आज़ाद कश्मीर के इलाके नकियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल जरदारी का कहना था कि एक ही तीर से पीटीआई और नून लीग पर वार करते हुए इन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला करने चाहते हो तो वोट से करो, जालों को हुक्म दूं तो वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करें और कठपुतली का भी। गुलूकार आसिम अजहर की मंगनी से मुतालिक खबरें जेरे गर्दिश हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर खबरें वायरल हो रही हैं कि गुलूकार आसिम अजहर ने फैशन ब्लागर और मॉडल मीरब अली से मंगनी कर ली। सोशल मीडिया पर क्रास राइयों पर आसिम अजहर और मीरब अली की मंगनी पर एक निजी तकरीब में हुई, जबकि मंगनी की इस खबर को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर शेयर किया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि साइबर हमलों में रूस मुलविस हुआ तो जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस अदारों को तहकीकात का हुक्म दे दिया। जो बाइडन का कहना है कि आज बताएंगे रूस और प्यूटन जिम्मेदार हैं या नहीं। तहकीकाती एजेंसियों को हुक्म दिया है कि वो जिम्मेदारों की निशानदाही के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएँ। ख्याल रहे कि अमेरिका में होने वाले ताज़ा तरीन साइबर हमलों में 1000 से ज़ायद अमेरिकी कंपनियां मुतासिर हुई थीं।